लोगों से क्या अपील करेंगे? सबसे पहले तो मैं नगर निगम रोहतक के सभी वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि नववर्ष में हम हर तरह से सुखमय जीवन के साथ आगे बढ़ें और प्रगति की ओर एक नया आयाम स्थापित करें। जाने वाला वर्ष कई महामारियों के दौर से हमको लेकर गया। हम बहुत विकट परिस्थितियों में भी, अपनों में भी बहुत अलग से और बेगाने होकर रहने का एक हमें मजबूरन वायरस के कारण ऐसा एक मौका आया। आशा करता हूं कि भगवान हमें सबको स्वस्थ रखे। आज आप लोगों के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि हमारे आसपास जितनी भी तरह की कोई कूड़ा करकट है, कोई गंध है, कृपया उसके बारे में नगर निगम के हमारा पोर्टल है, हमारा टोल फ्री नंबर है, आप उसके ऊपर ज़रूर कॉल करें, बताएं। इसके अलावा स्वच्छता के प्रति आप स्वयं भी जागरूक हों और जब हम कूड़े को भी अलग अलग करने की बात करते हैं या हम किसी भी तरह से उसके डिस्पोजल की बात करते हैं, चाहे वो मेडिकल वेस्ट भी क्यों ना हो, तो उसके प्रति भी अपनी जागरूकता को हम हमेशा प्रदर्शित करें। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है कि हमारा शहर और हमारे शहर के नागरिक बहुत शिक्षित हैं। लिटरेसी रेट में और लिटरेसी पोजीशन में हम और शहरों से कहीं आगे स्टैंड करते हैं। इसी के तहत मेरा एक और भी अनुरोध रहेगा कि हमने वार्ड कमेटीज हम बना रहे हैं, उस वार्ड कमेटी में वार्ड के पार्षद साहब उसके चेयरपर्सन होंगे और यहाँ के जो CSI हैं, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं सफाई, जो उस वार्ड का जूनियर इंजीनियर है, और उस वार्ड के कुछ जो समाज सेवी हैं जो हमेशा समाज की सेवा के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं और हर तरह की भागीदारी उनकी पहले भी रही है, जब भी शहर में किसी भी तरह की कोई आपदा आई है तो उन NGOs ने और उन इंडिविजुअल्स ने आगे बढ़कर हमेशा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम जन की सेवा की है। तो इस तरह के लोगों को हम एसोसिएट करके और स्वच्छता के प्रति हमने एक जागरूकता अभियान भी चलाना है और इसको सर अंजाम भी देना है। आपदा आई है तो उन NGOs ने और उन इंडिविजुअल्स ने आगे बढ़कर हमेशा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम जन की सेवा की है। तो इस तरह के लोगों को हम एसोसिएट करके और स्वच्छता के प्रति हमने एक जागरूकता अभियान भी चलाना है और इसको सर अंजाम भी देना है। प्रॉपर्टी टैक्स वाला जो इशू, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी टैक्स का सारा डाटा अर्बन लोकल बॉडी के पोर्टल के ऊपर लाइव हो गया है। अब आप अर्बन लोकल बॉडी के पोर्टल पर जाकर रोहतक नगर परिषद के डाटा को आप लाइव देख सकते हैं। इसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं, उन कमियों के लिए हम वार्ड वाइज कैंप लगाएंगे और उन कमियों को दूर करेंगे। वो कमियां किसी भी तरह की हो सकती हैं, आपने टैक्स पे कर रखा है मगर उसमें वो शो नहीं हो रहा, या आपका जो एरिया है उसमें कम या ज़्यादा दिखा रखा है, वास्तव में वो एरिया आपका उतना नहीं है, या नाम की अपडेशन का है, तो वो सारी चीज़ें हम दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा अब कोई भी किसी भी तरह की कोई करेक्शन की है, कोई अमेंडमेंट की बात है, कोई ऑल्ट्रेशन की बात है प्रॉपर्टी टैक्स डाटा के अंदर, तो उसमें भी फिजिकल तौर पर कोई कॉपी नहीं ली जाएगी। फिजिकल तौर पर केवल आवश्यकता पड़ी, कोई डॉक्यूमेंट आपने स्कैन ठीक से नहीं किया या वो पढ़ने में नहीं आ रहा या उससे मुतलक कोई दूसरा कागज़ हमें चाहिए, तो तभी हम आपसे कोई कागज़ की मांग करेंगे और वो भी हमारे अधिकारी मांग करेंगे, ऐसे नहीं कोई भी नहीं, प्राइवेट आदमी नहीं करेगा। तो आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और समयबद्ध तरीके से हम आपको सेवा दें उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, उसी की तत्परता में हमारे स्टाफ के लोग करबद्ध भी। अच्छा, तो इसमें प्रतिक्रमण वाला है और एक ट्रैफिक वाला इशू है, इसको कैसे? रोहतक शहर में यदि हम किसी भी सड़क पर जाकर देखें तो हम देखेंगे कि सारी की सारी सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। हम गाड़ी को दाएं बाएं ऐसे ही पार्क कर देते हैं। फिर बाजार में भी यदि हम देखें तो
मुख्य जो बाज़ार है हमारे शहर के, चाहे वो रेलवे रोड है, चाहे किशोरी मार्केट है, किला रोड है, भिवानी स्टैंड के ऊपर है, डी पार्क के ऊपर है, या अशोका के सामने है, तो आप देखोगे कि हर जगह पर बहुत बुरे हालात है। और इसके लिए हम सबको ही जागरूक होना पड़ेगा, हमको ही अपनी एक मर्यादा की सीमा बनानी पड़ेगी। यदि हम वहाँ पर लाइन लगी हुई है उसके बावजूद भी हम उससे बाहर गाड़ी पार्क करते हैं, तो हम ट्रैफिक में एक बहुत बड़ी एंट्रेंस खड़ी के ऊपर है, डी पार्क के ऊपर है, या अशोका के सामने है, तो आप देखोगे कि हर जगह पर बहुत बुरे हालात है। और इसके लिए हम सबको ही जागरूक होना पड़ेगा, हमको ही अपनी एक मर्यादा की सीमा बनानी पड़ेगी। यदि हम वहाँ पर लाइन लगी हुई है उसके बावजूद भी हम उससे बाहर गाड़ी पार्क करते हैं, तो हम ट्रैफिक में एक बहुत बड़ी एंट्रेंस खड़ी करते हैं और दूसरे आने जाने वाले लोगों के प्रति हम अपने आप को संवेदनहीन पाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप कृपया जो लाइन लगी हुई है उस लाइन के अंदर ही अपने वाहन को पार्क करें। इसके अलावा आपने यदि ज़्यादा देर रुकना है तो आप और लाइन के अंदर आपको जगह नहीं मिलती है, तो जो हमारी पार्किंग्स बनी हुई हैं शोरी मार्केट में, इसमें किला रोड पर पार्किंग बनी हुई है, उधर वो अगरसेन दुर्गा मंदिर के बिल्कुल साथ में अगरसेन पार्किंग बनी हुई है, तो जो जो पार्किंग्स हमारी बनी हुई हैं कृपया उनका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। वो सेफ़ भी हैं और आप लोगों की सुविधा के लिए बनाई हुई हैं, तो जिससे आपके ट्रैफिक कंजेशन में आपको ही फ़ायदा होगा, आपका ही समय बचेगा और आपका ही फ्यूल बचेगा, जिससे आपका पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचेगा।